हेलो फ्रेंड, मैं इमराना और वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मीर होम किचन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बचे आटे से ऐसा नाश्ता जिसे देखते ही खाने का मन करेगा। इस एक ही नाश्ते में हमें कचौड़ी, पकौड़ी और समोसे का टेस्ट मिलेगा, तो एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। इस नाश्ते को बनाना बहुत आसान है और जितना इसे बनाना आसान है, खाने में ही उतना ही टेस्टी है। और ये नाश्ता टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इस नाश्ते को गेहूँ के आटे से बनाया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। तो चलिए, यहाँ मैं एक कटोरी भरकर बेसन ले रही हूँ। इस एक कटोरी बेसन में काफ़ी सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर आपने पानी एक साथ डाल दिया तो ये पतला भी हो सकता है। तो चलिए, बेसन हमारा घुल चुका है। अब हम इसमें पत्ता गोभी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी ऐड की है इसमें, बारीक काट के, और साथ ही में एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसी के साथ में एक शिमला मिर्च भी मैंने बारीक काट कर ली है। यहाँ आप और सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आज मेरे पास कुछ खास सब्जियाँ नहीं थी, जो हैं वो मैंने डाल दी हैं। साथ ही में हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट कर, और इसी के साथ हम हरा धनिया डाल देते हैं। 1 से 2 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। तो यहाँ आज मैं एक ही लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मोटी है, और अदरक आज मेरे पास था ही नहीं तो मैं उसे स्किप कर रही हूँ। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, साबुत जीरा, और इसके बाद 1 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। साथ ही में थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे और 1/2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले की जगह आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर नींबू भी डाल सकते हैं। साथ ही में 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। और चलिए, अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए, हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, बस हमें इतनी ही रखनी है, ना तो पतला करना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। इसे साइड पे रख देते हैं। और ये देखिए, मेरे पास आटा बचा हुआ था, तो मैं इसी से इस नाश्ते को बनाकर तैयार करूँगी। जैसे रात में रोटी बनाते हैं तो आटा बच जाता है, तो आप उससे सुबह नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इसकी 2 लोइयां बना लेती हूँ इक्वल साइज की। और चलिए, अब हम 1 लोई उठाएंगे और इसे बेल लेते हैं। यहाँ हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करनी है, लेकिन रोटी से हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। ये आटा मेरा रोटी का बचा हुआ था, तो ये आटा थोड़ा सा पतला है। आप अगर इसी नाश्ते के लिए आटा लगा रहे हैं तो आप इस आटे को थोड़ा सा टाइट रखिएगा। तो चलिए, अब हम इसे बेलकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, अब मैंने यहाँ एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ पिज्ज़ा सॉस। तो यहाँ आप टमाटो केचप लगा सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई और चटनी पसंद हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। चलिए, चटनी हमने लगा ली है। साथ ही में अब हमने जो बेसन वाला घोल बनाकर रखा था उसे डाल देते हैं, और इस रोटी पर इस बेसन को भी अच्छे से फैला लेते हैं। बेसन का जो घोल है उसे अच्छे से लगाना है, कंजूसी नहीं करनी। और ये देखिए, अब हम इसे दोनों साइडों से थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, और इस साइड से हम उठाते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आपको इसी तरीके से इस नाश्ते को बनाकर तैयार करना है। अब हम इसी तरीके से उस दूसरे नाश्ते को भी बना लेते हैं। और चलिए, इधर मैंने गैस पर पहले से ही कढ़ाई रख दी थी, पानी डाल दिया था, पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस नाश्ते को एक छेद वाली थाली या फिर परात में रख देते हैं। हल्का सा आप परात पर तेल लगा लीजिए, उसके बाद आप इस नाश्ते को रख दीजिए। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट हाई गैस पर हमें इसे स्टीम करना है। तो चलिए, अब हम इसे ढक देते हैं। और ये देखिए, 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो अब हम इस परात को हटा लेते हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। यहाँ नाश्ते को हमें ठंडा करके ही निकालना है, गरम बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अगर आप गरम निकालेंगे तो ये टूट सकता है, क्योंकि गरम गरम ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, जैसे ही ठंडा होगा तो ये टाइट हो जाएगा। चलिए, इसके लिए एक घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 कप मैदा ली है, आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। और इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच तिल डाल देते हैं।
साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देते हैं और इसी के साथ हम हरा धनिया भी डाल देते हैं और साथ ही में अब थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक आपको इसी हिसाब से डालना है, मैदा के हिसाब से। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा जो घोल है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस घोल को हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा आपको टाइट भी नहीं रखना। चलिए अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और उधर हमारा नाश्ता ठंडा हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है ठंडा होकर, बिल्कुल भी ना तो टूटा है ना फटा है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपको छोटे बड़े जैसे भी पीस करने हैं ऐसे कर लीजिए। और ये देखिए नाश्ते की कटिंग हो चुकी है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं, गैस पर तेल रख देते हैं। तेल अच्छे से एक बार गर्म कर लीजिए। इसके बाद हम ये मैदा वाला घोल उठाएंगे और एक पीस उठाकर हम इस मैदा में अच्छे से कोट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे तेल में डाल देते हैं और बस इसी तरीके से सारा नाश्ता हमें फ्राई करना है। एक साथ में आपको बहुत सारा नाश्ता नहीं डालना, उतना ही डालें जितना आसानी से फ्राई हो सके। और गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। तो चलिए एक साइड से जब ये हो जाए तो इन्हें पलट देते हैं और बस इसी तरीके से हम इस नाश्ते को अलट पलट करके बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप इस नाश्ते को ऐसे ही स्टीम करके भी ले सकते हैं, आपकी जैसी चॉइस है ऐसा रख लीजिए। और ये देखिए हमारा जो नाश्ता है अच्छे से फ्राई हो चुका है, नाश्ते का बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। इसी तरीके से हमें बाकी नाश्ता जो है वो भी फ्राई करना है। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमें 8 से 10 मिनट लग जाते हैं और ये नाश्ता बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और करारा बनकर तैयार हो जाता है। और एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है, बाकी का जो नाश्ता है इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। बस आपको गैस की फ्लेम का ध्यान रखना है, मीडियम या फिर लो रखना है, हाई नहीं करना। और अगर आपको क्रिस्पी और करारा नाश्ता नहीं चाहिए तो आप इसे हाई गैस पर भी फ्राई कर सकते हैं। बस इसे जल्दी जल्दी से आप अलट पलट करते रहिएगा, इक्वल ही कलर आएगा। और ये देखिए हमारा नाश्ता फ्राई हो चुका है, इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप इस नाश्ते को ग्रीन चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ या आप इसे दही के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।